सनसनी ऑफ इंडिया। राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट में दिन दहाड़े बेखौफ होकर महिला को दौड़ा दौड़ाकर गोलियां मारकर फरार हुए वकील को आरकेपुरम क्राइम ब्रांच नई दिल्ली रेंज की टीम ने मात्र कुछ ही घंटों में फरीदाबाद से दबोच लिया है। घायल महिला ने पैसे डबल करने के नाम पर आरोपित वकील से 25 लाख रुपए लिए थे। महिला ने पैसे तो डबल नहीं किए, उल्टा दिए हुए रुपयों को भी लौटाने से साफ इनकार कर दिया था। इस बात से नाराज होकर आरोपित वकील ने महिला को धमकी दी थी कि अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो वह उसे अदालत में उपस्थित सभी लोगों के सामने मार डालेगा। आरोपी वकील की पहचान छतरपुर नई दिल्ली निवासी 49 वर्षीय कामेश्वर कुमार सिंह उर्फ मनोज सिंह पुत्र पुलेश्वर प्रसाद सिंह के रूप में हुई है। आरोपी वकील साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, लेकिन उसके गलत व्यवहार व अन्य कई कारणों से साकेत बार काउंसिल ने 14 दिसंबर 2022 को 2 साल के लिए 2024 तक उसका लाइसेंस निलंबित कर रखा है। दिनांक 21 अप्रैल शुक्रवार सुबह दिल्ली के साकेत कोर्ट में फायरिंग से हड़कंप मच गया था। सब कुछ सामान्य चल रहा था तभी फायरिंग की आवाज आई, उसके साथ ही एक महिला के जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज गूंजने लगी। अरे कोई छुड़ाओ इसको, अरे कोई छुड़ाओ, इस बीच 4 राउंड फायरिंग हुई। पता चला कि एक वकील ने अदालत परिसर में महिला को गोली मार दी। आनन फानन में पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआत में बताया जा रहा था कि पति पत्नी का आपसी विवाद था, जिसमें पति वकील की ड्रेस में आया और पत्नी को गोली मारकर फरार हो गया। जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने पूरी तस्वीर साफ की है। राजधानी दिल्ली की साकेत कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे देश को चौंका दिया। वकील हमलावर ने 3-4 राउंड फायरिंग की, महिला समेत 2 लोगों को गोलियां लगी। घटना के तुरंत बाद थाना साकेत में FIR संख्या 140/23 धारा 307 IPC और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे। मामला बड़ा गंभीर था। बिना समय गवाए संजय अरोड़ा कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस ने आरोपी को जल्द से जल्द दबोचने की जिम्मेवारी आरकेपुरम क्राइम ब्रांच को सौंपी। टास्क मिलते ही तुरंत अंकित कुमार DCP क्राइम ने उमेश बर्थवाल ACP क्राइम ब्रांच नई दिल्ली रेंज की सुपरविजन व तेज तर्रार इंस्पेक्टर राकेश शर्मा के नेतृत्व में SI अमित ग्रेवाल, अनुज, SI रविंदर, अशोक दहिया, विकास कुमार, किरपाल, नरेंद्र गोदारा, हेड कांस्टेबल कमल गोदारा, नहंजी, राहुल प्रविंदर, दिनेश और कांस्टेबल सत्यवान की एक टीम का गठन किया। जांच में पीड़िता से टीम को पता चला कि हमलावर आरोपी पेशे से वकील है और साकेत कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता था। टीम ने तुरंत साकेत बार काउंसिल से संपर्क किया। बार काउंसिल के रिकॉर्ड से आरोपी वकील की पहचान कामेश्वर कुमार सिंह उर्फ मनोज सिंह पुत्र पुलेश्वर प्रसाद सिंह के रूप में हुई। जांच में टीम को ये भी पता चला कि आरोपी वकील का नामांकन संख्या D832/2005 है, लेकिन उसके गलत व्यवहार व अन्य कई कारणों से बार काउंसिल ने 14 दिसंबर 2022 को 2 साल के लिए 2024 तक उसका लाइसेंस निलंबित कर रखा है। टीम को पीड़िता और साकेत बार काउंसिल से आरोपी वकील का मोबाइल नंबर भी मिल गया था, लेकिन पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने वारदात के तुरंत बाद से ही अपना मोबाइल ऑफ कर लिया था। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा यह अच्छी तरह से जानते थे कि वारदात के तुरंत बाद आरोपी कोर्ट परिसर से बाहर भाग गया होगा। फिर भी एक टीम को कोर्ट परिसर के अंदर आरोपी को खोजने में व दूसरी टीम को कोर्ट में लगे सभी CCTV कैमरों को खंगालने में लगा दिया। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा का शक सही निकला। CCTV फुटेज से टीम को पता चला कि कोर्ट में वारदात के बाद हुए अफरा तफरी के माहौल का फायदा उठाकर आरोपी कोर्ट परिसर से भाग गया था। कोर्ट से बाहर सड़कों पर लगे CCTV फुटेज खंगालने पर टीम को पता चला कि आरोपी वकील छतरपुर की तरफ भागा है। साकेत बार काउंसिल में आरोपी के घर का पता 151/415 प्रथम तल दुर्गा आश्रम छतरपुर नई दिल्ली दर्ज था। टीम ने आरोपी वकील के छतरपुर स्थित पते पर छापेमारी की, लेकिन घर पर ताला लगा मिला। आरोपी के घर के आसपास लगे CCTV फुटेज से टीम को पता चला कि वारदात के बाद आरोपी घर तो आया था, लेकिन तुरंत DL3SEP4634 नंबर वाली स्कूटी से कहीं भाग गया है। टीम के हाथ खाली थे। मीडिया और पब्लिक का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था।
एक टीम टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी के मोबाइल पर नजर बनाए हुए थी। टेक्निकल सर्विलांस से टीम को पता चला कि आरोपी ने कुछ एक सेकंड के लिए अपना मोबाइल ऑन किया था, जिसकी लास्ट लोकेशन फरीदाबाद के सूर्या नगर इस्माइलपुर इलाके से आ रही थी। एक टीम को तुरंत इस्माइलपुर फरीदाबाद भेजा गया। टीम ने आरोपी को लास्ट लोकेशन के पास सभी घरों व गलियों में खोजना शुरू कर दिया। टीम की मेहनत रंग लाए। आरोपी की स्कूटी DL3SEP4634 एक घर के बाहर खड़ी दिख गई। टीम ने तुरंत घर पर छापा मारा। आरोपी वकील घर में छिपा हुआ मिला। टीम ने उससे पूछताछ की, जिसमें आरोपी वकील ने महिला को गोली मारने की बात कबूल कर ली। लगातार पूछताछ पर आरोपी कामेश्वर कुमार सिंह उर्फ मनोज सिंह पुत्र पुलेश्वर प्रसाद सिंह ने खुलासा किया कि वह साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, लेकिन बार काउंसिल ने 3 साल के लिए 2024 तक उसका लाइसेंस निलंबित कर रखा है। आरोपी वकील ने आगे बताया कि घायल एम राधा ने पैसे डबल करने का लालच देकर उससे 25 लाख रुपए लिए थे, लेकिन उसने उसे एक पैसा भी नहीं लौटाया। पैसे वापस नहीं मिलने पर आरोपी ने घायल महिला के खिलाफ थाना साकेत में FIR संख्या 429/2022 धारा S406/420-120B-34 के तहत मामला दर्ज करवा दिया था। पैसे लौटाने की शर्त पर दिल्ली हाई कोर्ट से महिला को जमानत मिली थी, लेकिन महिला ने रुपये लौटाने से साफ इनकार कर दिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने आगे बताया कि उसने महिला को चेतावनी दी थी कि अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो वह उसे अदालत में उपस्थित सभी लोगों के सामने मार डालेगा। शुक्रवार को पीड़िता साकेत कोर्ट में एक अदालती मामले में भाग लेने आई थी। आरोपी ने उसे वकील के चैम्बर के पास रोक लिया और पैसे वापस करने के लिए कहा, लेकिन पीड़िता ने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने अपने निजी सुरक्षा गार्ड अजय की लाइसेंसी रिवाल्वर ली और पीड़ित एम राधा पर 4 राउंड फायर किए। इसके बाद वह मौके से भाग गया और सूर्यनगर इस्माइलपुर फरीदाबाद में छिप गया था। जांच में पुलिस टीम को पता चला है कि आरोपी वकील कामेश्वर कुमार सिंह उर्फ मनोज सिंह के खिलाफ भी एक FIR संख्या 310/2018 धारा 465/467/4268/120B-34 थाना महरौली में भी दर्ज है। संजय अरोड़ा कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस ने घटना में तुरंत एक्शन के लिए आरके पुरम क्राइम ब्रांच नई दिल्ली रेंज टीम की सराहना की है। आरोपी फोन बंद कर दूर दराज के इलाकों में भागने की फिराक में था। आरोपी को तुरंत दबोचने से आम पब्लिक का दिल्ली पुलिस पर और भरोसा कायम हो गया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।